अगर आप लोग जो है वो अपने नाम के लॉकेट बनवाना चाहते हैं, ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई यहाँ पे कि जिस तरह से चीज़ें बनती हैं। इतने सारे प्रोसीजर से चीज़ें निकल रही होती हैं जो आप लोग मार्केट से परचेज करते हैं। ये छोटी सी मशीन है लेकिन बहुत काम की मशीन है। तो ये चांदी प्लेटिंग हो रही है इधर, माशाल्लाह। ये अल्लाह के नाम वाले लॉकेट। प्रोसेस में के पानी गर्म होता है, फिर उस पर करंट पास किया जाता है, फिर उस पर गोल्ड प्लेटिंग होती है। अच्छा, ये इस तरह से। हाँ जी, और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है चमक लगने के बाद। मैं आपको यहाँ रख के इसको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये गोल्ड प्लेटेड हो गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शाइन कर रहा है यार ये तो। इस तरह की पैकिंग में मिलेगा मुझे? जी बिल्कुल, आपको ऐसी सेम चीज़ सेम जैसे अभी आपको दिख रहा है वैसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक अमेजिंग किस्म की वीडियो लेके आता रहता हूं, और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और आउट क्लास वीडियो के साथ। भाई आज की वीडियो जो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको आज दिखाऊंगा चीज़ें कि जो आप सिल्वर प्लेटेड चीज़ें पहनते हैं या गोल्ड प्लेटेड चीज़ें पहनते हैं उनको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। आज मैं ऐसे कारखाने में मौजूद हूँ जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के लॉकेट्स बनवा सकते हैं, कफलिंग बनवा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनवा सकते हैं, और उनको गोल्ड प्लेटेड करवा सकते हैं, सिल्वर प्लेटेड करवा सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसीजर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, प्लस वो चीज़ें कुछ तैयार है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से तैयार की जा रही हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मौजूद है और उसको किस तरह से आप अपने नाम से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जी रेहान, ये काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएँ ये क्या चीज़ें हैं। जी सर, ये सबसे पहले हमारे पास होती है पीतल की प्लेट जिस पर ये पीस कटता है। ये हमारी सबसे बड़ी मशीन पर ये ऐसे पीस कटता है। इस प्लेट पर हम प्लेट रख देते हैं और ये मशीन इसको डिज़ाइन कर देती है। फिर हमारे बेसिकली बेसिक चीज़ जो है वो ये प्लेट है। जी बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ ये प्लेट है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर अपनी मर्जी से आप कटिंग करते हैं। जी आप जो भी चीज़ बनवाना चाहें कस्टमर का, जी कस्टमर जो बनवाना चाहे वो डिज़ाइन करते हैं, फिर वो इस चीज़ पर डिज़ाइन होता है, ठीक है, इस चीज़ पर कटता है। ये हमारे पास सबसे पहले इसकी शिकल है जो लॉकेट की हमारे पास आती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास लगता है ये बफ मशीन का, हम वो भी आपको मार के दिखाएंगे। ये देखें, ये बफ है, ये आफ्टर बफ ये कंडीशन होती है, ठीक है। फिर इस पर दो चीज़ें अप्लाई होती है, एक शबनम, ये शबनम कहलाती है जो आप खुरच और चमक कहते हैं, शाइनिंग जो आ रही है, शाइनिंग जो आ जाती है इससे, और एक होती है छिलाई। ये देखें, ये शबनम भी इस पर हुई, और ये देखें ये छिलाई, ये छिलाई। आप मुड़मुड़िया या ऐसा कोई भी अल्फाज आप जो यूज़ करते होंगे, हमें नहीं पता लेकिन हम कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिजल्ट ये आप ये देखें ऐसे पीसेज होते हैं, ये सिल्वर प्लेटेड है और ये गोल्ड प्लेटेड हमारे पास पड़े हैं। हमारे पास दोनों, आप दिखाइएगा इनको। अच्छा, ये सिल्वर प्लेटेड ये विद चेन है, ये कम्प्लीट है? जी ये कम्प्लीटेड है, ठीक है। तो भाई ये देखें, ये इस तरह से चीज़ें बनती हैं ये सारी, और ये कफलिंग वगैरह भी बनी हुई। कफलिंग पे भी नाम आ सकता है? कफलिंग पे ये उधर इंग्रेव होता है, अभी अच्छा। ये इंग्रेव होगा, जिसने हमें ऑर्डर दिया है उनका नाम इंग्रेव होगा इस पे, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के लॉकेट्स तैयार हैं ये? जी बिल्कुल, ये आप पूरा रेडी है। अच्छा, ये माशाल्लाह से अल्लाह भी लिखा हुआ, ये देखें अल्लाह का नाम है, और ये कुछ नाम लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ये लिखा हुआ है रुशना साइम। अच्छा, किसी ने बनवाया ऑर्डर? किसी ने ऑर्डर पर बनवाया। और ये देखें यार, बड़ा प्यारा सा लॉकेट लग रहा है ये, इस तरह की चीज़ें। और ये क्या चीज़ है? ये बच्चों का, ये नाम अभी इस पर इंग्रेव होगा, ये बच्चों का ब्रेसलेट है। जी हम बच्चों, अगर कस्टमर बोलता है ना कि हमें 2 साल के या 1 साल के बच्चे को, तो हम उसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बातें बड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई छोटे बच्चों के ब्रेसलेट भी अगर आप बनवाना चाह रहे हैं ना, गोल्ड प्लेटेड नेकलेसेस भी बन जाते हैं छोटे बच्चों के। आप अगर हमें बोलते हैं ना कि बच्चों के हिसाब से बनाना है, तो हम वैसे ही बनाते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड भी हो जाएगा, सिल्वर प्लेटेड भी हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसका, ये आपने चीज़ें तो मुझे दिखा दी, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी तो दिखाएं कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। जी ये आप पीस देख लें, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, अब ये इसी पे हम काम करेंगे पूरी वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। जी ये आपको मैं शुरू से दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। पहला प्रोसीजर क्या होता है इसका? जी सबसे पहला प्रोसीजर जो है ना, वो इस पे बफ लगता है, वो हमारे भाई बफ लगा के आपको दिखाएंगे, आ जाइए। अच्छा जी, ये बफ मशीन है? जी ये बफ मशीन है, पहले ये कटाई लगती है। अच्छा, ये भी आपको भाई कटाई लगा के दिखाएंगे, उसके बाद इधर भी दिखाएंगे। ये कटाई हो रही है इसकी? ये इसकी कटाई हो रही है। कटाई मतलब क्या? कटाई क्या हो रही है ये? कटाई मतलब जो जब कस्टमर पहनता है ना, उसको ये छूटता नहीं है, जो भी पार्टिकल वगैरह से लगे हुए होते हैं पूरा प्लेन हो जाती है। जैसे शीट हम प्लेन कर देते हैं ना, वैसे प्लेन हो जाता है पूरा पीस, तो कोई पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं होता, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है पीस। जबरदस्त हो गया, ये देखिए यार, ये इस तरह से होता है भाई। सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं आप लोग फिर? जी बिल्कुल, जबरदस्त।
ये हो गई कटिंग, हो गई इसकी जी, ये कटिंग हो गई है इसकी, ये चमक गया, अभी पूरा रो था कच्चा था, आपको दिखाया था, आप देखें हाँ, ये थोड़ा सा रफ लगेगा, रॉ था और ये अब साफ हो गया काफी अच्छा। अब ये क्या कर रहे हैं? अभी ये बफ लग रहा है, ये मसाला जो है ना पिंक कलर का, ये इन्होंने अभी लगाया, मसाला कहलाता है बेसिकली, ये चमक के लिए यूज होता है। अच्छा, शाइनिंग के लिए जी, शाइनिंग के लिए चमक यूज होता है बेसिकली। ठीक है, ये बफ हो रहा है भाई, ये देख लें आप लोग, तो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई यहाँ पे, कि जिस तरह से चीजें बनती हैं। ये बफ कुछ भी करवा सकते हैं जी, हमारे यहाँ बफ तो हर चीज हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ नेकलेस ही होते हैं। अच्छा, आपके पास नेकलेस वगैरह होते हैं? ठीक है, बिल्कुल, जैसे छुरी हम बफ करवाने जाते हैं ना, उसकी हाँ, तेज करवाने जाते हैं, वो कटाई कहलाती है। तो वो मैं यहाँ ले आऊँ, कटाई हो जाएगी? नहीं, वो असल में हम करते नहीं, हमारे जो कारीगर है ना वो इस चीज में माहिर नहीं है। सही है, तो ये देखें यार, ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, शाइनिंग आ गई काफी, दिखाएं मुझे जरा, ये गरम हो, ठंडा करके दिखाओ। अच्छा, ये गरम हो जाता है तो भाई ये जरा एहतियात करनी पड़ती है इसकी, इनकी आदत हो जाती है थोड़ा हाथ अच्छा उठाने की जी। ये देखें यार, ये इस तरह से साफ हो गया काफी। ठीक है सर। अच्छा रेहान, इसके बाद क्या प्रोसीजर है? तो सर ये देखें, अभी ये बफ आपको बफ हमने लगा के दिखा दिया, अभी इसके बाद जो है ना इस पे पिन, ये कोड पिन है बेसिकली, अभी इसमें पिन जलाई होगी। अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पिन कैसे जलाई होती है, ये हमारे तो भाई करके दिखाएंगे आप। भाई आपका नाम क्या है? आबिद। आबिद भाई, तो आबिद भाई कैसे करते हैं इसको? ये देखें भाई, ठीक ठाक गर्म हो चुका होगा इसको? जी बिल्कुल, ज्यादा गर्म होगा फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको गर्म करना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है इसको गर्म करना। अच्छा जी, अभी देखें ये टांका कहलाता है जी, जो ये पिघाल के फिर इसको ऊपर लगाएंगे इसको। ठीक है जी, तो ये अभी पूरा लाल होगा तब जाके चलेगा। अच्छा, पूरा लाल हो जाएगा ये? जी। तो ये देखें भाई, कि इतने सारे प्रोसीजर से चीज़ें निकल रही होती हैं, जो आप लोग मार्केट से परचेज़ करते हैं या कहीं से भी परचेज़ करते हैं, अगर यहाँ से परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इनका नंबर वगैरह मैं दे दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये इस तरह से इसको भी ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ये देखें मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ। सही है, ये पिन लग गई है, कोट पिन लग गई है। अब इस पर एक और बार बफ लगेगा ताकि फाइनल फिनिशिंग हो जाए, ताकि जो येलो ये हो गया है पूरा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बफ लगेगा इस पर। अच्छा, ये दोबारा बफ होके हमारे पास आ गया। ठीक है, ये देखें जी, और अब इसका क्या प्रोसीजर होगा? अब ये वापस बफ हुआ है जलाई के बाद, जो आपने देखा था, अब इस पर शबनम होगी। शबनम, शबनम जो चमक होती है, जो चमक इस पर आ जाती है, खुरखुरापन। ठीक है, वो किस तरह से होता है करके दिखाता हूँ अभी। तो भाई वो भी देख लेते हैं किस तरह से होती है। ये देखेंगे, इसकी मशीन है, कंप्रेसर चल रहा होगा जिसकी वजह से हमारी थोड़ी आवाज़ भी सिल्लो हो गई। हाँ, हो सकता है कि शोर आपको आ रहा हो। तो ये देखें, ये मशीन है, अभी हम आपको क्लोज बुक करके दिखाते हैं। अच्छा, ये दिखाया मुझे ज़रा, ये देखें यार, ये ऊपर जो है ना, इन्होंने इसको ये शाइनिंग आ गई है और ये चमक लग गई है काफ़ी ना, और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है चमक लगने के बाद। मैं आपको यहाँ रख के इसको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये दिखाइएगा, इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि वाजे हो जाए। ये देखें यार, ठीक है जी, ये इस तरह से शाइनिंग आ गई है इसकी। और इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? इसके बाद ये जाएगा पॉलिश के लिए। सबसे पहले इस पर पॉलिश जो काम होता है, पॉलिश होगी, सफाई वफाई होगी इसकी। आए मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये सब इसका फाइनल हो चुका है हमारी तरफ से। अभी आएगा इधर पॉलिश, इस पार्ट पे आएगा, ये देखें कवर हमने करके रखा हुआ है ताकि इधर डस्ट वगैरह ना आए, ताकि हमारा जो पानी है वो सेफ रहे। अच्छा, और आपकी चीज़ों पे भी धब्बे ना लगे। ठीक है, हमने बिल्कुल ये प्रिकॉशन रखे हैं। अब ये पीस है, अब ये जाएगा इस वाली मशीन में। इस मशीन में बेसिकली छोटी सी मशीन में जी, ये छोटी सी मशीन है लेकिन बहुत काम की मशीन है। अच्छा, इस छोटी सी मशीन में होता है करंट पास हो रहा होता है बड़ी हाई, जैसे स्पीड में करंट पास हो रहा होता है, अगर आप हाथ डालेंगे ना तो फिर लग जाएगा करंट। मालिक है जी, बिल्कुल आप कल्ला ही मालिक है। इसमें ये जाएगा, अब ये देख रहे हैं ना आप, ये काला काला ये जो लग रहा है, ये बेसिकली वो जो मसाला था ना पिंक कलर का, ये उस पर वो लगा हुआ है, थोड़े पार्टिकल इसके अंदर रह जाते हैं, तो जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे वो इस मशीन में जाने के बाद इनको जब करंट लगता है तो इस पर सारे हट जाते हैं, निकल जाते हैं। ये इतनी बड़ी मशीन किस चीज की है भाई?
ये मशीन जो है इसमें जो पानी है उसको हमें सेव रखना पड़ता है। अब ये देखें, ये जो सिल्वर प्लेटिंग हो रही है ना, वो इसी में सिल्वर प्लेटिंग होती है। अच्छा। ये आप चार प्लेटें लटकती हुई देख सकते हैं, चांदी प्लेटिंग हो रही है इधर। सिल्वर प्लेटिंग जो हम बोलते हैं ना, वो चांदी की पॉलिश इस पर चढ़ती है, चांदी ओरिजिनल चांदी चढ़ती है। और ये प्रूफ है, ये देखें ये लटक भी रही है इस पर, ठीक है। ये और ये अभी पॉलिश हो रही है। अच्छा, अभी हम इसमें ये भी डालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये देखें जो कुछ लॉकेट्स निकले हुए भी है, ये इस तरह से। हाँ अभी जी, ये ठंडे हो रहे हैं जी, ये ठंडे हो रहे हैं। ये पूरा इसमें करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपने 9 में केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो सिल्वर हम गोल्ड पॉलिश या स्पून को पॉलिश करते हैं वो तो आपने जरूर पढ़ा होगा। और हम खुद भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ग्रेफाइट वगैरह पे प्लेटिंग वगैरह करके, तो इधर वही सीन हो रहा है। इधर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है सिल्वर की पहले, फिर होती है गोल्ड की। ये थोड़ा छोटा सा सेटअप है गोल्ड प्लेटिंग का, इंशाल्लाह ये भी अभी आपको दिखाएंगे। इसमें पट्टी डलती है गोल्ड की 1 ग्राम की, ठीक है। जो पॉलिश इस पर चढ़ती है वो आपको अभी हम होते हुए भी दिखाएंगे। अभी ये जो सिल्वर का काम पड़ा इसमें से एक उठाएं जरा गुच्छा को, ये पूरा जो है ये इस पे सिल्वर हो चुका है जी, ये सिल्वर हो चुका है। अभी ये जो लॉकेट्स है ना, ये वेट कर रहे हैं कि हम पर कब गोल्ड पॉलिश चढ़ेगी। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में। सही है बस। तो भाई ये सारा प्रोसीजर होता है, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें यार माशाल्लाह, ये अल्लाह के नाम वाले लॉकेट्स भी है कुछ। हाँ। और इनको हम बिल्कुल एहतियात से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनकी हुर्मती नहीं होने देते, बेहुर्मती नहीं होने देते। बिल्कुल बिल्कुल, बेहुर्मती होनी भी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल सही से। ना हम इसको नीचे रखते हैं ना कुछ करते हैं, हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको अपने पास आप तक पहुँचाते हैं मैन्युफैक्चर करके, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ये सेटअप है, कुछ ये गर्म हो रहा है। ये क्या पानी, डिफरेंट पानी रखा हुआ, ये क्या है मतलब बताएं तो। कुछ इनमें से कुछ पानी है जिनमें केमिकल है, हमारे पास तेजाब भी पड़ा हुआ होता है प्रोसेस में, के पानी गर्म होता है फिर उस पर करंट पास किया जाता है, फिर उस पर गोल्ड प्लेटिंग होती है। अच्छा जी बिल्कुल, तो ये प्रोसेस मुझे दिखाएंगे अभी आप इंशाल्लाह, अभी आपको पूरा प्रोसेस होते हुए दिखाएंगे। आपको सिल्वर प्लेटिंग का तो दिखा दिया, एक बार आप क्लोज शॉट लेके भी दिखा दें। ये देखें यार, ये इस तरह से उसकी मशीन चल रही है और अंदर जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये गर्म होता है ना पानी बहुत जी, इसमें करंट पास हो रहा है बेसिकली। अच्छा। अगर इसमें हाथ डालेंगे ना, एक गर्म भी है और इसमें करंट पास है। ये इसका हीटर है। अच्छा, वो हीटर लगा हुआ जी, अभी बंद कर दिए बिकॉज सिल्वर प्लेटिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है जी। रियान भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? आपने पूछा था ना पानी गर्म क्यों हो रहा है, अभी ये पानी गर्म हो रहा है। अभी ये देखें, ये गोल्ड की पट्टियाँ, प्योर गोल्ड है ये, ठीक है। इसको हमने पतला करवाया हुआ, अभी देखें ये डिजोल्व हो रहा है, अभी ये डिजोल्व कर रहे हैं इसके अंदर, फिर आपको दिखाएंगे गोल्ड होता हुआ पॉलिश होते हुए भी दिखाएंगे कि कैसे चढ़ती है लॉकेट पे। ये देखें अभी पूरा डिजोल्व कर रहे हैं, गर्म पानी के अंदर पूरा गोल्ड डिजोल्व हो जाएगा, गर्म गर्म पानी में डिजोल्व होगा, फिर इस पर करंट पास किया जाएगा, जब चढ़ेगा ना उस पर कलर पॉलिश गोल्ड चढ़ेगा जब उसके ऊपर, तो करंट पास किया जाएगा। अभी गर्म पानी में डिजोल्व कर रहे हैं पानी। अच्छा जबरदस्त। तो भाई पहले पट्टी को जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है, उसके बाद करंट पास किया जाता है, वो मटेरियल अंदर डाल दिया जाता है जिसमें जो है वो प्लेट करना होता है, गोल्ड प्लेट करना होता है जिसकी, तो वो हो जाता है कम्प्लीट, गोल्ड प्लेटिंग पे आ जाता है वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद जब मटेरियल इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जी रेहान भाई मुझे बताएं अब ये क्या हो रहा है। ये जैसा मैंने आपको अभी सिल्वर प्लेटेड का प्लांट दिखाया था, सिल्वर प्लेटेड हो चुका है, अभी ये गोल्ड प्लेटेड हो रहे हैं। अच्छा। अभी आपको पूरा प्रोसेस ये दिखा रहे हैं, देखें सारे पानी में डिजोल्व हुआ हुआ दिखाया था, अभी ये पानी में जाएगा और ये गोल्ड होकर आएगा, ठीक है। ये जो जिस पार्टी में अभी डाला है जी, नहीं ये अभी इसमें हल्का हल्का गोल्ड होगा, पूरा प्रॉपर इसमें गोल्ड होगा, ये देखें इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी हो रही है इसमें, इसी में पूरा गोल्ड होगा प्रॉपर। ये वाला जो पानी है ना मैंने आपको जी, ये इसी में देखें गोल्ड हो रहा है, इसी में गोल्ड डिजोल्व हुआ। तो भाई ये इस तरह से गोल्ड प्लेटेड होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाली बास्केट है, अब ये फाइनल। अच्छा जी, हाँ कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका। मैंने आपको गोल्ड पूरा प्रॉपर गोल्ड डिजोल्व होते हुए दिखा दिया, अब इसमें गुंजाइश शक की नहीं बचती कि ये हम केमिकल से कर रहे हैं, हमने आपको प्रॉपर दिखा दिया। सही है, ये देखें, ये देखें, फोकस करके दिखाइएगा, ये गोल्ड प्लेटेड हो गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का शाइन कर रहा है यार ये तो जी। बिल्कुल, अभी ये थोड़ा सूखेगा बुरादे वगैरह में, जो लकड़ी का चूरा होता है उसमें ही सूखता है। सही है, तो ये डिफरेंट किस्म के पानी रखे हुए हैं आपने जी, जिसमें जो है वो अभी ठंडा कर रहे हैं इसको जी। अच्छा, वॉश कर रहे हैं, ये सादा पानी है जी। तो भाई ये वॉश हो गया, अब इसको देखें किस तरह से करते हैं। अब देखें व्यूअर्स, ये गोल्ड होके हमारे पास फाइनल आ चुका है, अब हम इसको सुखाएंगे। अब ये गीला हो रहा है ना, तो ये गीला नहीं रहना चाहिए, हम इसको पूरा प्रॉपर, ये कहलाता है लकड़ी का बुरादा। अच्छा, लकड़ी का चूरा ये वो है। अब इसको हम प्रॉपर सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर इसको पैक किया जाएगा, इस पर कुछ नगीने वगैरह जो लगाने होंगे
फिर इसको फाइनल कर दो। ये बुरादा इस पर चिपक तो नहीं जाएगा सर? नहीं नहीं, वो हम अभी थोड़ा सा चिपकेगा, वो हम एग्जॉस्ट हेयर ड्रायर से हम निकाल देंगे। अच्छा, ड्राई ड्रायर से निकाल ब्लो करके हम निकाल देंगे। ठीक है, बस प्रायोरिटी ये कि पूरा सूख जाना चाहिए। ज़बरदस्त। तो भाई ये पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो अगर आप लोग जो है वो अपने नाम के लॉकेट बनवाना चाहते हैं, ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। ये देखिए यार, इस तरह से ये सुखाया जाता है और ये लकड़ी का बुरादा है जिस पर सुखाया जा रहा है। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है रेहान, अगर ऑर्डर देते हैं तो? सर शरी भाई, ये 3 वर्किंग डेज में आपको रेडी मिल जाता है। अच्छा, 2-3 वर्किंग डेज में आपको रेडी इंशाल्लाह मिल जाता है। एक नॉर्मल लॉकेट अगर मैं बनवा रहा हूँ उसकी क्या कॉस्ट अंदाजन पड़ती है? शेरी भाई, एक नॉर्मल लॉकेट की 454। हाँ, हमारे यहाँ पहले प्राइस के अलग अलग प्राइस थे, जैसे कोट पिन के अलग, कफलिंग के अलग, लेकिन अब हमने सबको मर्ज कर दिया, अब टोटल प्राइस 450 रुपीज़ हो गए। कुछ भी बनवा लें तो क्या? अभी मैं आपको ब्लो करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसके जो अभी प्राइस है ना 450 में, आपको 3 वर्किंग डेज में आपको ये रेडी होके मिल जाता है। अच्छा व्यूअर्स, 450 रुपीज़ अभी इसके प्राइस चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है गोल्ड के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसके गोल्ड के जो 1 तोले के रेट है ना, 1 तोला का जो रेट चल रहा है वो 1,39,000 चल रहा है, 1,39,000 चल रहा है। तो हो सकता है कि लॉकेट 500 रुपीज़ का हो जाए जब तक आप वीडियो देख रहे हो। मतलब 50-60 रुपये का फर्क आएगा? 50-60 रुपये का खाली फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क भी नहीं आएगा, सिर्फ 500 रुपीज़। तो ये घर पर मिल जाएगा मुझे बैठे बैठे? जी बिल्कुल, वो भी हम सर्विस करते हैं, 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होते हैं, आपको घर घर पर बैठे बैठे मिल जाता है। बट पाकिस्तान में कहीं पे भी? जी पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, बट आपको हाफ पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी एज अ श्योरिटी कि आप लेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे फेक ऑर्डर भी बहुत लोग प्लेस करते हैं कि फेक ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर जब राइडर हमारा पहुंचता है तो वो लेते नहीं है, तो फिर जब आपका नाम का बन जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। जी बिल्कुल, वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो हमारे पास लॉस हो जाता है फिर, क्योंकि देखें ये प्योर पट्टी है गोल्ड की। अच्छा, ये गोल्ड की पट्टी है जो उसमें मिलती है, जो हमने आपको जो पानी में डिसॉल्व की थी, पानी में डिसॉल्व करते हुए दिखाई थी। ठीक है, ये प्योर पट्टी है। जबरदस्त भाई, तो ये हमारा कुछ लॉस हो जाता है इस वजह से, आपको हाफ पेमेंट एडवांस। बाकी आपने हमें यूट्यूब पे भी देख लिया, हमारी शॉप भी देख ली, तो हम फेक वगैरह कुछ भी नहीं करते। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपको सर्विस भी इंशाल्लाह फौरन मिलेगी। सही है। तो ये ज़रा ये ब्लोर हो रहा है जी, ये देखें, ये इसमें जो थोड़ा बहुत कचरा होगा, जो बुरादे का कचरा होता है वो इससे साफ हो जाएगा। पानी बुरादे से साफ होता है, फिर जो बुरादा इसमें फंस जाता है वो हेयर ड्रायर से साफ हो जाता है। ज़बरदस्त। और इसके बाद ये फाइनल हो चुका है, अब इसको हम पैक वगैरह कर लेंगे। जी बिल्कुल, अब इसकी सिर्फ पैकिंग रहेगा। ये देखिए, इसके बाद ये देख रहे हैं ना आप कितना निकल रहा है। हाँ, हम प्रॉपर के कस्टमर को कोई परेशानी नहीं। ये फाइनल हो चुके हैं, ठीक है, और ये इसकी पैकिंग हो चुकी है। यहाँ पे इस तरह की पैकिंग भी मिलेगा मुझे? जी बिल्कुल, आपको ऐसी सेम चीज़ सेम जैसा भी आपको दिख रहा है वैसे ही मिलेगा। तो भाई ये सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, ये फिनिशिंग के बाद मौजूद है यहाँ पे, और ये इस तरह के जो है वो लॉकेट्स हैं, आप अपने नाम के बनवा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ये देखें, ज़बरदस्त हिना लिखा हुआ है इसके ऊपर जी, तो किसी भी नाम से बनवा सकते हैं आप। हमारे पास आप जब आप हमसे डिज़ाइन मांगेंगे हम आपको डिज़ाइन भेजेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, उसी डिज़ाइन पे हम कन्वर्ट करके आपको आपका लॉकेट दे देंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सारा प्रोसेस था भाई जो मैंने आपको कम्प्लीट दिखा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौसिस आदम जी, कस्टमाइज के कस्टमर्स और देखने वाले। हमने ये आदम जी कस्टमराइज से चीज़ें बनाई थी वॉल क्लॉक वॉलपेपर के साथ। आप देखें माशाल्लाह हमारी फैमिली की तस्वीर है, कितनी प्यारी है, खूबसूरती हो जाती है घर के अंदर जब ऐसी चीज़ लगती है। तो इसको आप लोग देखें और अपने घरों में लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पिक्चर्स लगाएं, बल्कि कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ बना के अपने वॉल पे लगा सकते हैं, जिससे आपके बेडरूम के अंदर चार चांद लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको चीज़ बहुत पसंद आई होगी, और मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ आदम जी वाले का कि जिसने इतने अच्छे प्राइस में तमाम चीज़ें बना के दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूज, आप लोगों ने वीडियो देखी, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया है, किस तरह से जो है वो सिल्वर प्लेटेड चीज़ें होती हैं, किस तरह से चीज़ों को गोल्ड प्लेटेड किया जाता है, और रेहान भाई ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दी है। रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कारखाने में हमें दावत दी और कंप्लीट प्रोसीजर दिखाया। जो भी मतलब परचेस करना चाहता है, नंबर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे, वो इनसे आप तो डायरेक्टली रब्ता कर सकता है नंबर्स के ऊपर, तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। रेहान भाई, एक लॉकेट बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक लॉकेट बनाने में हम कस्टमर को 3 दिन का टाइम देते हैं, मगर उससे जल्दी रेडी हो जाता है, पहले ही रेडी हो जाता है। पहले रेडी हो जाता है। तो मतलब मैं अगर कफलिंग बनवाना चाहूँ, लॉकेट बनवाना चाहूँ या ब्रेसलेट बनवाना चाहूँ, सब चीज़ें मिल जाएंगी? सब चीज़ें बन जाएंगी।
और ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड होगी जी, सारी ओरिजिनल हमारी गोल्ड प्लेटेड होगी। आपको मैंने गोल्ड भी दिखा दिया था इसीलिए। और एक फ्रॉड होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमारा लॉकेट गोल्ड प्लेटेड होता है, मगर उनका जो चेन का कलर होता है वो डिफरेंट होता है और लॉकेट का कलर होता है डिफरेंट होता है, उसमें उनकी कॉस्ट थोड़ी गिर जाती है। अच्छा, वो पूरा गोल्ड अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क लगता है ना तो समझ जाए जैसे आप बनवा रहे हैं वो आपके साथ फेक फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, वो पूरा गोल्ड प्लेटेड उसने नहीं दिया आपको, अगर थोड़ा सा भी आपको चेन और लॉकेट में डिफरेंस होता है। लेकिन आपके पास जो मिलेगा वो मुझे दोनों चीज़ों का सेम मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको सारी मैंने दिखा दी है हमारी, देखें दोनों का कलर सेम है आप देख सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस आप देख ही चुके हैं, प्रोसेस तो आपको दिखा दिया है। तो ऑनलाइन का क्या सिस्टम है आपका, वेबसाइट के थ्रू आपसे रब्ता करना पड़ेगा या व्हाट्सएप के थ्रू आपसे रब्ता करना? हमारे पास दोनों चीज़ें आप मिल जाती हैं, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आप हमारे पास वहाँ शॉप पर भी आपको एड्रेस इंशाल्लाह मिल जाएगा, वीडियो में आप प्रोवाइड कर दीजिएगा व्यूअर्स को, ठीक है? तो आप शॉप पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आपका शो है। ज़बरदस्त हो गया, तो भाई तीनों जगह से आप रब्ता कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। इनका कंप्लीट एड्रेस सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो डायरेक्टली आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा शहरयार भाई, वेबसाइट पे भी सेम रेट होंगे लॉकेट के? अच्छा, wow.pk ऑफिशियल पे सेम रेट होंगे 450 रुपीज़, बट आपको पेमेंट का स्क्रीन शॉट भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पर हमें, ठीक हो गया? आप वहाँ पर ऑर्डर कर दें, वहाँ पर हमारे सारे डिज़ाइन हैं, हम खुद भी मैनुअली व्हाट्सएप पर डिज़ाइन आपको भेज देंगे, आपको वेबसाइट पर जाके देखना वेबसाइट पर ऑर्डर कर। हमारे सब्सक्राइबर के लिए कोई डिस्काउंट तो देना यार, कोई कुछ ऑफर तो दें कुछ। शहरयार भाई जैसे कि आपको पता है हमारे सारे होलसेल रेट ही है। हाँ, कारखाने में देखें, जहाँ पर मैं कारखाने में मौजूद होता हूँ ना, वहाँ से जो आपको रेट मिल रहे होते हैं वो बेसिकली वो रेट होते हैं जो बिल्कुल मैन्युफैक्चर दे रहा होता है आपको, क्योंकि अगर यही चीज़ आप रिटेलर से जाके परचेज़ करेंगे, बनवाएंगे, ऑर्डर देंगे, वो इन्हीं के पास आएगा और इनके पास आके बनवा के फिर आपको देगा, उसके रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वो रेट्स मिल रहे होते हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर आपको डायरेक्ट दे रहा होता है। मेरे ख्याल से इसमें वैसे गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो सके तो जी इंशाल्लाह कर दीजिएगा। ये दुबई भी माशाल्लाह से दुबई भी जा रहे होते हैं, अभी इसमें से कुछ पीस निकलेंगे जो दुबई जा रहे होते हैं, रीसेलर्स के थ्रू हमारे जा रहे हैं, वो 2000 रुपये के आगे भी बेचते हैं और दुबई में तो जाहिर सी बात है फिर और प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि बाहर जा रहा है वो। बिल्कुल, लाहौर भी जा रहे हैं इसमें से कुछ पीसेज हमारे, और हमसे रीसेलर्स भी काइंडली कॉन्टेक्ट करें क्योंकि काफ़ी सरगोधा के हमारे रीसेलर से लाहौर के रीसेलर से जिन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट भी किया है, ठीक है? तो हम डिलीवरी एक साथ जब उनका ऑर्डर बहुत सारे जमा हो जाते हैं हम एक साथ डिलीवरी करवा देते हैं, तो उनको भी प्रॉफिट होता है, हम यही रेट में देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो चलें व्यूज़, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।